भाई तेरे वोकल्स तो काफी क्लीन साउंड कर रहे हैं। हाँ भाई, ये ट्रिक मैंने एले में सीखी थी। अच्छा, मुझे भी बताना। फिर कभी बताता हूँ ना। भाई से छुपाएगा? दरअसल तू यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, और अगर ये ट्रिक बाहर निकल गई तो मेरी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। समझ लेगी मैं इस ट्रेन का आखिरी डब्बा हूँ, मेरे बाद ये ट्रिक किसी को नहीं पता चलेगी। पक्का? अरे भाई वाला प्रॉमिस। चल ठीक है, इधर आओ। हाँ, और पास आओ। अबे दोस्ताना करेगा क्या? जाओ यार, मैं नहीं बता रहा तुझे। अच्छा सॉरी सॉरी, बता बता। अच्छा समझ गया। हे गाइस, मैं वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी मिक्सिंग ट्रिक शेयर करूंगा, एक ऐसा गोल्डन प्लगइन शेयर करूंगा जो कि मैंने काफी ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद काफी ज्यादा इंडस्ट्री के लोगों के साथ काम करके फिगर आउट किया। और हाँ, वो ट्रिक आपको किसी भी किताब या किसी भी यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलने वाली। कितनी सारी स्टेम्स हैं, कितने सारे ट्रैक्स हैं। तो ये गाना मैंने हाल ही में मिक्स किया था मयूर जुमानी के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक सेक्शन प्ले करके सुना देता हूँ इस गाने का। राइट, इससे आगे मैं प्ले नहीं कर सकता ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस, लेकिन अगर आप लोग पूरा गाना सुनना चाहते हैं तो आप लोग जाके सुन सकते हैं। और जिस प्लगइन के आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो ट्रिक की हम लोग बात करने वाले हैं, उसको हटा के देखते हैं कि वोकल्स कैसे साउंड कर रहे थे। फेरा तुझको मैं अपनी, और यहीं पे अगर मैं उस प्लगइन को ऑन कर दूं तो ढूंढता फेरा तुझको मैं अपनी राहों में। क्या बात है। और इनकेस अगर आप लोग सोच रहे हैं कि एक नॉर्मल सा रिवर्ब प्लगइन है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि दिस इज नॉट जस्ट अनदर रिवर्ब। इस प्लगइन में काफी सारे क्रेजी फीचर्स हैं, जिनमें से एक फीचर आपका रिवर्ब है। सो आई नो ये इवन टाइप जो नाम है, ये आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, बिकॉज इनका एक बहुत ही क्रेजी प्लगइन है जिसको हम लोग रिव्यू कर चुके हैं, जिसका नाम था स्प्लिट ईक्यू। एंड मेरा तो सच्ची में दिमाग हिल गया था उस प्लगइन को देख के कि कैसे ये प्लगइन टोन और ट्रांजिएंट को अलग अलग ईक्यू कर सकता है। तो आप में से जितने लोगों को टोन और ट्रांजिएंट में फर्क नहीं पता, तो आप उसको इस तरह से देख सकते हैं। जब एक बॉक्सिंग मैच हो रहा होता है और जैसे ही एक इंसान पंच मारता है, तो वो पंच बेसिकली हो गया ट्रांजिएंट, और पंच पड़ने के बाद जो आवाज निकलती है वो हो गई आपकी टोन। तो इसको मैं एक म्यूजिकल एग्जांपल से भी समझाता हूँ। सिर्फ फॉर एग्जांपल, ये कुछ गिटार की स्ट्रमिंग है। अब इस प्लगइन को यूज करके ट्रांजिएंट्स को सोलो करते हैं, और अगेन इस प्लगइन की मदद से टोन को सोलो करके सुनते हैं कि वो कैसी साउंड करती है। तो आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आया होगा ट्रांजिएंट और टोन का डिफरेंस। और ये जो प्लगइन है, इसका भी प्रिंसिपल लगभग सिमिलर है, जस्ट दैट यहाँ पे जो आपका ट्रांजिएंट पैरामीटर है और जो आपका टोन पैरामीटर है, आप उनमें अलग अलग इफेक्ट्स डाल सकते हो, और वो इफेक्ट्स की लिस्ट आप देख सकते हो, डिले, टैप डिले, डायनेमिक्स, फेजर, रिवर्ब, गेट ईक्यू। और यहीं पे अगर टोन वाले पार्ट की बात करें, तो यहाँ पे एक्चुअल में आप पिच, कोरस, ट्रेमोलो इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं। तो अगर इस गाने पे वापस आए, तो यहाँ पे जो मैंने सबसे पहला फिजन प्लगइन डाला है, इसके अंदर एक्चुअली मैंने अपने ट्रांजिएंट्स को कंप्रेस किया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और जो अपना टोनल पार्ट है उसके अंदर एक रिवर्ब डाला है। एक एक करके सुन के देखते हैं। सबसे पहले ट्रांजिएंट पार्ट, सो आई नो ये काफी वियर्ड साउंड कर रहा है, बिकॉज ट्रस्ट मी ये वाला जो फीचर है, ये वैसे ही बहुत लिमिटेड प्लगइन्स दे रहे हैं। और यहीं पे अगर टोनल पार्ट को सोलो करें और रिवर्ब को सुन के देखे तो क्या बात है। प्लस रिवर्ब का टेक्सचर भी काफी खूबसूरत है। सो टोन पे रिवर्ब डालने का मेन रीजन ये है कि आपके जो ट्रांजिएंट्स हैं, आपके जो हिट्स हैं, आपके जो इम्पैक्ट है वोकल का, उस पे रिवर्ब ना आए, बिकॉज अगर उन शब्दों पे, उन पार्ट्स पे रिवर्ब आएगा तो कहीं ना कहीं स्प्लैश करेगा और गाने से अलग सुनाई देगा। वेरास टोनल वाले पार्ट पे डालने का फायदा ये है कि अब वो गाने के साथ ग्लूड साउंड करेगा, और आपका रिवर्ब कभी ज्यादा या कभी कम साउंड नहीं करेगा। इसको एक बार मैं ट्रैक के साथ सुनाता हूँ। ढूंढता फेरा तुझको मैं अपनी राहों में, क्या बात है। और बिना इसके अगर सुने तो ढूंढता फेरा तुझ, सो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग अगर ध्यान से सुनेंगे तो जैसे वो ढूंढता शब्द था, उसमें ट्रांजिएंट कैसे पॉप आउट हुआ, वेरस बाकी जो शब्द हैं या फिर जहाँ से ये वाला पार्ट शुरू हुआ है, वहाँ पे एक्चुअली ट्रांजिएंट ज्यादा फील नहीं हो रहे। अब इस चीज के लिए अगर आप एक कंप्रेसर डाल रहे हैं, तो वो आपके टोनल पार्ट को भी कंप्रेस कर रहा है। दैट इज वन ऑफ द रीजन एक कंप्रेसर से आपकी आवाज स्क्वॉश साउंड करती है। वेरस इस प्लगइन की मदद से आप अपने ट्रांजिएंट्स को कंप्रेस कर सकते हो, जो कि एक्चुअल में पॉप आउट करता है आपके मिक्स में। अब इसके बाद मैंने क्या किया, अपने प्लगइन को डुप्लीकेट कर दिया, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्रांजिएंट्स को कर दिया ऑफ, और जो टोनल पार्ट है उसके ऊपर डाल दिया एक कोरस इफेक्ट। तो अगर हम लोग कोरस इफेक्ट को सोलो करके सुने, तो वो कुछ ऐसा साउंड करेगा।
ढूंढता फेरा तुझको मैं अपनी राहों में। सो एक्चुअल में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे एक ऑटोमेशन क्रिएट किया हुआ है जिसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, जो मिक्स परसेंटेज है वो 0% पे था स्टार्टिंग वाले सेक्शन में, क्योंकि बीट ड्रॉप होता है उसके बाद। तो जहाँ से बीट ड्रॉप हो रहा है वहाँ से एक्चुअली मैंने कोरस इंट्रोड्यूस किया है, बिकॉज सोलो करके तो हमें पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं वोकल्स में कोरस एड हुआ है और वो काफी मेटालिक साउंड कर रहा है, लेकिन अगर म्यूजिक के साथ बीट के साथ सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि वोकल्स काफी ज्यादा वाइड हो गए। सो मैं इस पार्ट को बीट के साथ सुनाता हूँ विद एंड विदाउट द कोरस इफेक्ट। अब यहीं पे अगर कोरस इफेक्ट को ऑन कर दें, सो अब एटलीस्ट जो वर्ड्स हैं वो ज्यादा ऑडिबल हैं, प्लस ऐसा नहीं फील हो रहा कि वोकल्स सामने से आ रहे हैं, अब ऐसा फील हो रहा है कि वोकल्स इतने पार्ट से आ रहे हैं। और जो प्रोसेसिंग है वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, मैंने एक्चुअल में फिजन प्लगइन को दोबारा से डुप्लीकेट किया और उसके बाद जो टोनल पार्ट है उसके अंदर पिच इफेक्ट डाला, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअली मैंने B5 यानी परफेक्ट फिफ्थ जो नोट होता है उसको टारगेट किया है, और उसके बाद जो वॉइस वन है वहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्लस M3 है विच इज बेसिकली और मेजर थर्ड। और इनकेस अगर आप लोग म्यूजिकल इंटरवल्स में कंफ्यूज होते हैं या आप नहीं जानते हैं कि ये होता क्या है, तो आप लोग मेरा म्यूजिक थ्योरी का प्री रिकॉर्डेड कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। तो इस इफेक्ट को एक बार सोलो करके सुनते हैं। ढूंढता फेरा तुझको मैं अपनी राहों में। So, जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं वो लेयर्स बहुत ही सटल वे में ऐड हुई हुई हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं मैं उनका मिक्स परसेंटेज बढ़ाऊं तो आप लोगों को एक्चुअल में सुनाई देगा कि वोकल्स के पीछे क्या क्या लेयर्स चल रही हैं। ढूंढता फेरा तुझको मैं अपनी राहों में। आई नो ये काफी फनी साउंड कर रहा है, लेकिन दैट इज द ट्रिक कि आपको उसको इस तरह से यूज करना है कि वो भराव तो डाले वोकल्स में, उनको हैवी तो साउंड करवाए, एट द सेम टाइम इतना एविडेंटली सुनाई ना दे कि आपने एक्चुअल में डाला क्या है। सो इसको हम लोग वापस 7% पे सेट कर देते हैं। प्लस आप लोगों को मैं बताना भूल गया, इस इफेक्ट को भी मैंने जब बीट ड्रॉप होता है तभी इंट्रोड्यूस किया है, और वो जो सोलो वाले वोकल्स हैं स्टार्टिंग वाले वोकल्स हैं वहां पे नहीं डाला है ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस। एक छोटी सी चीज जो मेरे को लगता है इस फंक्शन में ऐड हो सकती थी, दैट इज कि जो इंडिविजुअल वॉइसेस हैं इनका अलग से लेवल कंट्रोल मिल जाता तो ज्यादा मजा आता, बिकॉज राइट नाउ मैं मिक्स को ज्यादा करता हूँ तो दोनों हार्मनीज इक्वल बढ़ती है, कम करता हूँ दोनों कम होती है। ऑब्वियसली इसको मैं अलग कर सकता हूँ मैनुअली, इस प्लगइन को मेरे को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, एक में वॉइस वन एक में वॉइस थ्री ऐड करना पड़ेगा, लेकिन वो अगेन बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, प्लस सीपीयू पे भी लोड डालेगा। तो मुझे लगता है ये एक ऐड ऑन कर दें तो फिर इस फीचर को यूज करने में और ज्यादा मजा आएगा। नेवरदलेस एक फाइनल कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि हमारे वोकल्स में कितनी इंप्रूवमेंट आई। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद। क्या हुआ, कभी वीडियो नहीं हुआ अभी तो? अरे ब्रांड पैसे नहीं देगा भाई, 10 मिनट था क्या? हाँ। क्या करें फिर? वाली ट्रिक बता दो जो सुबह स्टूडेंट्स को बता रहे थे, मेलेडी वाली लक्स के साथ। सही, डन। तो एक छोटी सी बोनस ट्रिक है जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो आज सुबह ही मैं अपने एकेडमी स्टूडेंट्स को बता रहा था और उनको बहुत पसंद आई थी। तो उसके लिए आप लोगों को चाहिए एक फायर बीट, जैसे कि और उसके साथ बचते हुए कुछ सूखे प्लग्स। राइट, इतने सूखे साउंड कर रहे हैं जैसे कि अकाल पड़ गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगेन हमारा जो फिजन प्लगइन है उसको हम लोग यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने ट्रांसिएंट पे डाला है रिवर्ब, ताकि वो जो रिवर्ब है वो स्प्लैश आउट करे, एट द सेम टाइम जो हमारा टोनल वाला पार्ट है उसके ऊपर मैंने डाला है कोरस इफेक्ट। सो एक बार मैं बीट को प्ले करता हूं और बीच में इसको ऑन करूंगा ताकि आप लोगों को वो कॉन्ट्रास्ट समझ आए कि इस प्लगइन को डालने से क्या चेंज आया। राइट, सो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग रियलाइज कर पा रहे होंगे कि कैसे वो ब्लेंड इन हो गया बीट के साथ, कैसे वो ग्लू कर रहा है बीट के साथ, एंड स्पेशली नॉट जस्ट रिवर्ब का टेक्सचर बहुत सुंदर है बल्कि जो कोरस इफेक्ट है वो उसको कहीं ना कहीं थ्री डायमेंशनल फील दे रहा है। जैसे हमारी जो बीट है उसकी हाई हैट स्टीरियो में मूव अराउंड कर रही है, वैसे अब हमारे जो प्लग्स है वो भी थ्री डायमेंशनल साउंड कर रहे हैं, वो भी स्टीरियो साउंड कर रहे हैं। सो एक बार मैं आप लोगों को सोलो में सुना देता हूँ कि ट्रांजिएंट्स कैसे साउंड कर रहे थे पहले और इफेक्ट डालने के बाद, बिकॉज ये सारी रिवर्ब की जो सेटिंग्स है ये तो आप लोग भी सेट कर लेंगे, क्योंकि रिवर्ब डिजाइन पे तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे काफी वीडियोज है।
एट द सेम टाइम कोरस इफेक्ट पे भी मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस बनाए हुए हैं, तो वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। मेनली इस वीडियो का जो मुद्दा है वो है क्रिएटिव एप्लीकेशन, कि आप किस तरह से आउट ऑफ द बॉक्स वे में अपने इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो ट्रांजिएंट्स हैं वो बिफोर ऐसे साउंड कर रहे थे, आफ्टर, क्या बात है। एंड क्योंकि ये प्लग साउंड है तो मेजोरिटी आपको ट्रांजिएंट्स ही सुनाई दे रहे होंगे, सो लेट्स सी टोनल पार्ट में क्या है बिना किसी इफेक्ट के। क्या बात है, वो जो छोटी सी टेल है वो सुनाई दे रही है। एंड इसको अगर ऑन कर दे तो, एंड आई गेस अब जाके आपको समझ में आ रहा होगा कि वो क्या एड ऑन कर रहा था आपकी प्लक्स में, आपकी प्लक्स 3D क्यों साउंड कर रही थी, लेफ्ट और राइट में क्यों साउंड कर रही थी। उसके अलावा यहाँ पे जो आप छोटा सा कॉलम देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास फोकस का नॉब है। इससे आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ट्रांजिएंट और टोनल को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, यानी कि उनमें से क्या चीज लीड में रखनी है या दोनों का इक्वल बैलेंस रखना है। एट द सेम टाइम नीचे सोर्स टाइप में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस चीज पे काम कर रहे हैं। ऑल्दो मैंने एक बहुत क्रेजी चीज रियलाइज की, पहले मैंने यहाँ पे पियानो और सिंथ ही सिलेक्ट किया था क्योंकि हम लोग सिंथ प्लक्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक बीट की सेटिंग पे वो ज्यादा बेटर साउंड कर रहा था। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको कोई बोलता है कि ये VCA कंप्रेसर्स हैं, इनको ड्रम्स पे यूज करो या FETs जो है उनको वोकल्स पे यूज करो, तो उनकी बात पे बिल्कुल ध्यान मत देना, बिकॉज अल्टीमेटली सारी ड्रम किट्स अलग साउंड करती है और ऐसे कोई भी दो वोकलिस्ट नहीं है जिनकी आवाज सेम साउंड करती हो, तो कैसे आप दोनों की आवाजों पे सेम कंप्रेसर लगा सकते हैं। और इनकेस अगर आप लोग इस प्लगइन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में होगी। एंड आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि जो भी म्यूजिक प्रोड्यूसर है अगर वो कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं अपने म्यूजिक में तो भी ये काम में आएगा। एट द सेम टाइम जो मिक्सिंग इंजीनियर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, ये उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज इसकी मदद से आप लोग काफी ज्यादा क्लीन वे में प्रोसेसिंग अचीव कर सकते हैं, चाहे वोकल्स की बात करें या फिर इंस्ट्रूमेंट की। और भाई कैसा है? एकदम बढ़िया भाई, बस वो थोड़ा सा शूट चल रहा था तो उसी के चक्कर में। और बताओ वो ट्रिक काम आई तेरे? हाँ हाँ भाई, काफी ज्यादा काम आ रही है। क्यों? नहीं नहीं बस मैं तो पूछ रहा था कि तूने वो किसी को बताई तो नहीं ना। कैसी बातें कर रहा है भाई, मैं थोड़ी बताऊंगा किसी को। अच्छा सुन, मैं रखता हूँ, मैं तेरे को कॉल करता हूँ, बस वो कैमरा ऑन है, वीडियो शूट करके कॉल करता हूँ। चलो डन डन, सब हो गया। अरे मोंटी को क्या जवाब दोगे? वो मैं देख लूंगा। उसके अलावा एक छोटा सा कॉलम है स्ट्रक्चरल स्प्रिट का, उसके अलावा एक छोटा सा सेक्शन है यहाँ पे स्ट्रक्चरल स्प्रिट, स्ट्रक्चरल का। उसके अलावा एक छोटा सा कॉलम है आप स्ट्रक्चरल उसके अलावा एक छोटा सा कॉलम है यहाँ पे स्ट्रक्चरल स्पिट का। शिट